आगामी बजट में करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। खबर है कि सरकार नए बजट में टैक्स में भारी छूट देने पर विचार कर रही है। दरअसल मंगलवार को नीति आयोग की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में अर्थशास्त्रियों ने आयकर दरों में कटौती करने और सीमा शुल्क दरों का वैश्विक स्तर पर प्रचलित दरों के साथ तालमेल बिठाने की वकालत की, ताकि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। वहीं नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि बजट पेश करने की तारीख पहले करने से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होगा, क्योंकि इससे योजनाओं के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अधिकृत कोष उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 का बजट 1 फरवरी को पेश करने का प्रस्ताव किया है। मोदी ने आर्थिक वृद्धि की रफ्तार के लिए युवाओं की ताकत को जोड़ने पर भी जोर दिया। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने बताया कि बैठक में कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर के सरलीकरण, छूटों को कम करने, कम दरों को नीचे लाने, कर प्रणाली का तालमेल बिठाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक में नोटबंदी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा नहीं हुई, जबकि अर्थव्यवस्था को कम नकदी वाली बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। तो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सरकार अब आगामी बजट में करदाताओं को राहत देने पर विचार कर रही है। अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी को यह सलाह दी है, ऐसे में देखना होगा कि नए बजट में लोगों को कितनी राहत मिलती है। देखते रहिए डीबी लाइव।